आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रामगढ़ ताल स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में आजादी का रंगोत्सव कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के शहीदी धारा की पावन मिट्टी लाई गई है, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि गोरखपुर के प्रेक्षागृह आजादी का अमृत महोत्सव का रंगमंच होने जा रहा है, जिसमें देश भर के अच्छे से अच्छे अद्भुत कलाकार अपनी आजादी के महोत्सव और आजादी के आंदोलन कैसा था उन शहीदों के बारे में यहाँ पर मंचन करेंगे तथा 5 दिवसीय नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, जिसमें प्रेक्षागृह में लोकगीत के कार्यक्रम और दोनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 10 प्रतिष्ठित नाटक निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटक तथा पुनीत इसर द्वारा निर्देशित नाटक, महाभारत संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित कंपनी उस्ताद, मनोज जोशी द्वारा निर्देशित चाणक्य, भारती शर्मा द्वारा निर्देशित खूब लड़ी मर्दानी, कुंवर श्याम महन सिंह द्वारा निर्देशित बापू अभी जिंदा है, रामजी बाली द्वारा निर्देशित चौरी चौरा संग्राम, मानवेंद्र त्रिपाठी व रविन्द्र रंगधार द्वारा निर्देशित क्रांतिवीर आजाद, अभिषेक पंडित द्वारा निर्देशित बोधु अहिर एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा निर्देशित मुक्तिदाता का मंचीय प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोकमंच से हमारे लोकल कलाकारों को सीखने का मौका मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, रविशंकर खरे जी से संस्कृति विभाग सर ओरिजिनल में 75 जिलों से आई है सर, 15 दिन में मटोर जला है। हम अपने सांसद को मुख्य अतिथि ले जाता है और राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ करता है, देश प्रेम, राष्ट्रीयता और कर्तव्य पर। आप सभी जब यहाँ से जाएं तो अपने साथ लेकर के जाएं, उन सभी जगहों में वितरित करें जहाँ सही मायने में इस दीदी सभी के जीवन को Yeah.
आपने ये भव्य इमारत दी महाराज जी। गोरखपुर ने कभी सोचा नहीं था, गोरखपुर की कला कलाकारों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रेक्षागृह होगा गोरखपुर में। यहाँ भी कला जीवित रहेगी, यहाँ भी कलाकारों के लिए कुछ सोचेगा, तो ये महाराज जी की सोच है। अगर वो इस प्रेक्षागृह को यहाँ नहीं बनाते, मुझे यहाँ सांसद के रूप में नहीं लाते, तो शायद ये सपना आज पूरा नहीं होता। शायद गोरखपुर के कलाकार, जो अनगिनत कलाकार हैं, इस वक्त आपको मात्रा कम दिखाई दे रही है, कुछ कलाकार अपने तैयारी में जुटे होंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे, कुछ लोगों को शायद समय से निर्देश नहीं किया गया होगा, कुछ बातें होंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे कलाकार एकजुट हो जाएं, कोई सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग एक साथ रहें। कलाकार सबको लेके चलता है, इसमें कभी किसी को कुछ ये नहीं लगना चाहिए कि हमको बुलाया नहीं गया, किसी को न्योता नहीं है। तो मैं यहाँ से मंच से सभी को न्योता देना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया आए। पूज्य महाराज जी ने जो सपना पूरा किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते थे कि उस वक्त मंच पर मिले थे हमको यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप क्या कर रहे हैं, हमसे एक सांसद के रूप में पूछा गया। घर पर भी बुलाने के टाइम उनका ये प्रश्न यही था कि आप लोग पार्लियामेंट में भी की सारे सांसद बताइए आप लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को कैसे मना रहे हैं। देश आज़ाद हुआ 75 साल हुआ, तो जब हमने अपनी ये छोटी सी पेशकश की कि हमारे यहाँ करीबन 75 जिलों की शहीद धरा की पावन मिट्टी आएगी गोरखपुर में, जो आपके पीछे रखी गई है, और हमारे यहाँ पर पूरे देश से एक कलाकार आएंगे और यहाँ नाटक मंचन करेंगे, हमारे गोरखपुर के बच्चों को बहुत सीखने मिलेगा, हमारे बच्चे यहाँ के बड़े बड़े जो बड़े नाटक हैं किस शैली में करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको देखेंगे। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, बहुत सुंदर एक बात है कि अपने हम लोगों ने बहते हुए पानी को देखा, और जैसे पानी बहता है उसमें कला का मिश्रण होता है, तो कला जब बहती है तो प्रदेश को देश को ऊंचा करती है। कलाकार देश को बनाने में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, अपने नुक्कड़ के माध्यम से, अपने चौपाल में या नुक्कड़ नाटक में जो आंदोलन करता है और उसमें अपनी बातें रखता है, तो कलाकारों का बहुत बहुत आप देखेंगे योगदान रहता है, उनकी आवाज़ के माध्यम से, उनके गीतों के माध्यम से, उनके संगीत के माध्यम से। जो आज आप लोगों एक से एक नाटक देखेंगे, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो नाटक हो रहा है, और इसमें इतने भव्य भव्य नाटक होंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे, आपको बाल गंगाधर तिलक भी दिखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भी दिखेंगे, बिस्मिल जी पंडित जी भी दिखेंगे आपको, आपको दुर्गावती देवी जी भी दिखेंगी, आपको अनगिनत वो शहीद दिखेंगे, अनगिनत पूर्वांचल के जिन लोगों ने बलिदान किया, चंद्रशेखर आज़ाद भी दिखेंगे आपको, अनगिनत लोगों दिखेंगे, अनगिनत आपको शहीद दिखेंगे। तो पूज्य महाराज जी की यही सोच थी कि सांसद जी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ो। मेश्राम जी ने इस पर पूरी रचना रची, खरे साहब और टीम और पिंकुल ने, मैं चाहूँगा पिंकुल कहाँ हो, पिंकुल के लिए एक जोरदार ताली थी। पिंकुल ने, पिंकुल टीचर हैं भारतेंदु में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मीडिया बंधु सब आए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इसको जितना जनवाएंगे उतना ज़्यादा खुशी होगी। राकेश जी आप भी सारे अपनी टीम को, जितने भी लोग बच्चे लोग नहीं आए, मैं चाहूँगा कि रंगमंच को देखने के लिए, देखिए रंगमंच को देखने के लिए दर्शक बहुत कम होते हैं। अभी मैं सिनेमा का गाना यहाँ करता तो यहाँ पर पूरा लबालब भीड़ हो जाती है, हमको दुख होता है। यही जो हिंदी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे परिवेश को लोगों को देखना चाहिए। हमारे देश में आज़ादी के वक्त क्या क्या आंदोलन हुए थे, प्रधानमंत्री जी वही चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वही चाह रहे हैं कि उनको दोबारा हम लोग जीवित करें। कृपया आप मंच पे आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें इस उद्घाटन। वाह, नहीं, सिर्फ डिटेल के लिए। वाह,
अरे टिकती है हाँ। आपको तो किसी हम ऐसी कोई सीरीज या करेंगे तो आपको मैं बुलाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल सर, ताकि आप उसका पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइन करें। इनका नंबर है ना, जरा पढ़ के आ रहा आपका साइज क्या, हाथ लगाइए हाँ ये पूरे सब पे बना रहे हैं किसकी कौन से नाटक ये सर, इधर एलिजाबेथ अभी कहाँ जाना है देखिए। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को और मेशराम जी को, संस्कृति विभाग और नीलकंठ तिवारी जी को कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी मांग थी कि यहाँ पर एक नाट्य कुंभ हो और उसको तुरंत माना उन्होंने और यहाँ से पाँच दिन का आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें देश भर के सारे अच्छे अच्छे अद्भुत कलाकार अपनी आज़ादी के महोत्सव और आज़ाद आंदोलन कैसा था, शहीद लोगों के बारे में मंचन करेंगे यहाँ पर और गोरखपुर की देवतुल जनता को बताएंगे, यहाँ के कलाकारों को सीखने बहुत मिलेगा। तो पाँच दिन हमारे करीबन नुक्कड़ नाटक होंगे। आज हमारा पहले दिन एक भारती शर्मा जी का नाटक है, उसके बाद महाभारत की पूरी टीम आएगी जो आप टेलीविज़न पर देखते हो, सारे कलाकार पुनीत इसर जी से लेके गुफी पेंटल साहब जितने भी कलाकार हैं वो लोग अपना मंचन करने आएंगे, माननीय अवस्थी जी का भी एक मंचन है। तो ऐसे भांत भांत के चाणक्य जो मेरा बड़ा फेवरेट है मनोज जोशी जी का, वो दिखाएंगे, वो पूरा वर्ल्ड लेके टूर करके आए। तो ऐसे ही महाभारत भी वर्ल्ड टूर करके आए, ऐसे बहुत सारे नाटक होंगे जो इंटरनेशनली बड़े बहुत पॉपुलर रहे वो नाटक यहाँ आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है गोरखपुर की धरती पर, चूँकि महाराज जी ने ये प्रेक्षागृह बनाया था इसी सोच से बनाया था कि यहाँ के रंगकर्मी, यहाँ के रंगमंच, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा मिले, यहाँ के कलाकार भी देश विदेश में जाएं, बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको हिंदी इंडस्ट्री कहते हैं वहाँ पर काम करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें, अच्छे से अच्छे कलाकार बने। अच्छे कलाकार रंगमंच से आप बनते हैं और उनकी पूरी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और पाँच दिन बच्चे यहाँ सीखेंगे, साथ में काम भी करेंगे। सह कलाकार मानवेंद्र त्रिपाठी जी भी अपना एक नाटक लेके आ रहे हैं, चौरी चौरा भी यहाँ हो रहा है, तो हमारे लोकल नाटक भी आ रहे हैं, हमारे बाहर के भी नाटक हैं। तो ये बहुत ही भव्य रहेगा। मैं बड़ा भावुक हूँ आज के दिन क्योंकि ये मेरे मन का एक मेरा एक छोटा सा सपना था गोरखपुर को देने के लिए और ये आज पूरा होने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इससे जुड़े सारे अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर भारतेंदु, उसको पूरा आयोजन भारतेंदु कर रहा है, मैं उन लोगों को और सारी टीम सारे कलाकारों का एक सांसद के रूप में गोरखपुर की धरती पर मैं स्वागत भी करता हूँ।